क्वेश्चन में मेरे पास दिया हुआ है, भारत ट्रेडिंग कंपनी है, दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स जयपुर ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% विद सेल्स ऑन क्रेडिट एज वेल एज फुल कैश। तो हमें स्टॉक इन डेटा सिस्टम से इस क्वेश्चन को करना है, और इसमें मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट जो अपनी एच ओ है वो अपने ब्रांच को गुड्स जो सेंड करती है या जो भी ट्रांजेक्शन करती है वो क्या होती है, कॉस्ट प्लस 25% पे, यानी कॉस्ट हमारा 100 हुआ और प्रॉफिट मार्जिन 25% हुआ और हमारा आईपी जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना हो गया 125। फिर आगे क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये सारे अकाउंट जो है हमें बनाने हैं। तो आगे हमें ट्रांजेक्शन क्या क्या दिया है कि स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू एच ओ, यहाँ पे जो है वो क्या है कि स्टॉक जो है ब्रांच के पास वो कॉस्ट जो एच ओ की कॉस्ट पे है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस पे। तो 75,600 जो हमारा ये है, 75,600 का ये क्या है, हमारा कॉस्ट वैल्यू है, तो कॉस्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% हम इसका निकालेंगे, इसको 25% निकालेंगे तो वो क्या आएगा 18,900 अमाउंट आएगा, और इसको हम 75,600 में ऐड कर देंगे, और फिर जो हमारा बैलेंस आएगा उसको याद देखेंगे, जो आएगा हमारा क्या 94,500। बस कैसे हुआ ये, जो हमारा स्टॉक जो था हमारा ब्रांच के पास वो हमारा कॉस्ट पे है और उसको हमें कन्वर्ट करना है इनवॉइस प्राइस पे, क्योंकि ये कॉस्ट पे है तो हमारा यहाँ पे स्टॉक है हमारा 75,600 पे, 75,600 हमारा स्टॉक है जिसपे ये हमारा किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे है। अब कॉस्ट हमारी कितनी थी, 100 थी, और उसपे स्टॉक उसपे जो प्रॉफिट है वो 25% का है। अब क्योंकि ये भी कॉस्ट पे है तो हम इसका जो नीचे वाला अमाउंट होगा वो भी कितना रहेगा, 100 रहेगा, और हमें निकालना है क्या है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना है इसपे, तो 25/100 ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा कितना, का जो है हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा उस पर प्रॉफिट मार्जिन। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो हमारा ये वाला अमाउंट था 75,600 का, उसको ये प्लस करके हमें अपने ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में दिखा देना है। तो 18,900 को प्लस करेंगे कितने से, 75,600 से, तो जो अमाउंट आएगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से, और इसका जो स्टॉक हमने जो उसका लोड निकाला है उसको हम लिख देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में स्टॉक रिजर्व के नाम से 18,900 के अमाउंट से। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का हुआ, ट्रांजेक्शन का हुआ। अब कुछ फ्रॉम एच ओ, एच ओ ने ब्रांच को सेंड किया है 443,750 में, तो गुड्स सेंड के नाम से हमारे यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में गुड्स सेंड 443,750 अमाउंट, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर डायरेक्ट टू एच ओ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो गुड्स थे वो रिटर्न किए गए हैं, कस्टमर ने रिटर्न किया है डायरेक्ट टू एच ओ। तो पहले हमारे पास स्टॉक आया होगा 3,750, वो लिखेंगे हम, वो डेबिट कर देंगे स्टॉक अकाउंट में, फिर वो हमने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि डायरेक्ट रिटर्न हुआ है तो इस पर भी हम लोड निकालेंगे, एच ओ को डायरेक्ट रिटर्न किया है कस्टमर ने तो इस पर भी हमारा लोड निकलेगा, तो रिटर्न किया है इसने 3,750 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है हमारा टोटल सेल्स हुई है 584,500 की, क्योंकि अब हमें टोटल सेल्स दिया हुआ है तो कैश और क्रेडिट देखने के अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेल्स लिख देंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सेल्स के नाम से 584,500 अमाउंट आ जाएगा, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे डेटर अकाउंट भी बनाना है तो यहाँ पे टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या लिख देंगे, हम उसको डेटर अकाउंट में क्या लिख देंगे, क्रेडिट सेल्स के अमाउंट से, जो हमारा टोटल सेल्स है वो है 584,500 का, और कैश सेल्स उसमें से है 209,300 का, फिर जो हमने माइनस करेंगे अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, जो हमारा डेटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा डेटर के डेबिट अकाउंट पे, डेबिट साइड में। तो कैश सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न टू एच ओ बाय ब्रांच, एच ओ को ब्रांच ने रिटर्न किए हैं
4300 का, तो रिटर्न भी यहाँ पे दिखा देंगे 4300 का। उसके बाद है डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 1,62,500, ये हमारे डेटर अकाउंट में चला जाएगा बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से 1,62,500। उसके बाद है हमारा कैश पेड बाय कस्टमर, कैश पे किया है 3,07,500 के अमाउंट से कस्टमर, इसका फिर हमारा कहाँ जाएगा डेटर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश रिसीव के नाम से 3,07,500। और जो रिटर्न किया था उसने, जो डेटर था उसने सीधा एचओ को रिटर्न कर दिया था गुड्स, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न 3,750 के अमाउंट से। ये हुआ। उसके बाद डिस्काउंट एंड कमीशन टू कस्टमर्स, डिस्काउंट और कमीशन कस्टमर को हमने दिए हैं 17,000 के अमाउंट से, वो भी हमारा कहाँ चला जाएगा डिस्काउंट के अमाउंट से 17,000 यहाँ पे डेटर के क्रेडिट साइड में आ जाएगा डिस्काउंट। फिर बैड डेट्स हुई है 5,000 की, बैड डेट्स हुई है, बैड डेट को भी यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट्स 5,000 डेटर अकाउंट में। उसके बाद रेंट रेट्स रेट्स एंड टैक्सेस हैं 12,000 का, वो हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 12,000। फिर सैलरीज एंड वेजेस हैं 36,500, सैलरीज एंड वेजेस 36,500 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद हमें, हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं, पास आउट कर दिया, उसमें क्या क्या निकालना है, एडजस्टमेंट पे हम लोड लिखेंगे और रिजर्व अकाउंट लिखेंगे, तो बैलेंस वाला हमने ये लिख दिया ओपनिंग का, स्टॉक रिजर्व जो हमारा निकला था यहाँ पे 18,900 का वो लिख दिया, गुड्स सेंट जो किया है उस पर लोड निकालेंगे तो 4,00,000 क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे है तो 4,00,000 लगा के 4,43,750 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 125 करके जो अमाउंट निकालेंगे गुड्स सेंट से वो आ जाएगा यहाँ पे गुड्स सेंट के अमाउंट से 88,750 के अमाउंट से यहाँ पे हुआ। फिर जो सरप्लस गुड्स सेंट हुआ इसका निकाला हमने, रिटर्न ये वाला रिटर्न का हम नहीं निकालेंगे, जो यहाँ पे रिटर्न हुआ उसका निकालेंगे, तो रिटर्न वाला यहाँ पे 3,750 है उस पर भी निकालेंगे इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 125 तो वो हमारा जाएगा 750, वो यहाँ लिख देंगे रिटर्न, जो ये वाला हमारा डेटर ने रिटर्न किया था एचओ को, और ये वाला रिटर्न जो हमने एचओ को रिटर्न किया है वो वाले का, तो 4,300 पे निकालेंगे इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 125 8,600 का रिटर्न इस पर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ये हमने लोड और वो सब निकाल लिया स्टॉक पे और गुड्स एंड पे, अब इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारा इसका बैलेंसिंग करना है, तो इधर का टोटल करेंगे 5,42,000 और इधर का टोटल करेंगे उस पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सरप्लस आएगा, तो सरप्लस आया हमारा 50,550 का, तो सरप्लस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में हमारा क्या जाएगा सरप्लस आ जाएगा 50,550 का। अब इसको टोटलिंग करेंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 1,56,590 का। अब हमने ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना लिया, उसका टोटलिंग करेंगे हमारा अमाउंट आ जाएगा 48,500 का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें हमारी क्या क्या एंट्रीज आएंगी, तो हमने जो डेटर को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है 17,000 का वो आएगा, डेटर का जो बैड डेट हुआ है 5,000 वो आएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, हमने ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिपेयर किया था जिसमें हमने रेंट रेट्स एंड टैक्सेस लिखे थे और सैलरीज लिखा था जो उसका बैलेंस है 48,500 का, वो भी हम कहाँ लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 48,500 में। ये हुआ। फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा हुआ था ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जो हमारा बैलेंस आया था उसको हमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट में, यहाँ पे आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट साइड में 1,56,590 ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से फिर हमारे क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा टोटल, उसको यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल माइनस करने पे 86,090 यहाँ पे हुआ। और हमें निकालना क्या क्या था, बनाना कौन कौन से अकाउंट थे ब्रांच का, स्टॉक अकाउंट बनाना था, एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस, डेटर अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक से हमारा सरप्लस निकला 50,550 का, सरप्लस को हमने ट्रांसफर किया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, और फिर पीएनएल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकला 80,690।
90 रुपए का। छियासी हजार 90 रुपए का हमारा क्या निकला, नेट प्रॉफिट निकला। और डेटर का हमारा क्या निकला, क्लोजिंग बैलेंस निकला 2,04,450 रुपए का। हमारा इसका क्या निकला, क्लोजिंग बैलेंस। और ब्रांच एक्सपेंसेस से हमारा टोटल ब्रांच का एक्सपेंस निकला कि उसने कितना किया है उसका, जिसको हमने ट्रांसफर किया उसको भी हमने कहाँ पे किया, पीएनएल के डेबिट साइड में ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से 48,500।